देख के आई हूँ। मेरा सबसे बड़ा पॉइंट, और ये मुझे लगता है कि जनता की भी मांग सबसे ज्वलंत है, जहाँ मैं गई हूँ कई इलाके के अंदर बिल्कुल ही फसल नष्ट हो गया और कईयों के घर भी नष्ट हो गए हैं, वो भी ऊपर से दिखाई दे रहा था। मेरा मानना है कि कल तो हम लोगों ने आपसे ये भी कहा भी था, परंतु आज भी मैं मैंने पुरजोर तरीके से कहना चाहूंगी कि ये जरूरी है कि जल्दी से जल्दी, मेरे को तो ये कहा गया था कि 3-4 दिन के अंदर जहां जहां ये मुसीबतें हुई हैं वहां का आकलन करके और तुरंत ही वो मुआवजे का इंतजाम करेंगे, तो बहुत जल्दी जितनी जल्दी हो सके वो मुआवजा देने का काम करें, ताकि वो जो लोग जो बेघर हो गए हैं, जिनकी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, उनको कुछ तो राहत मिलेगी और वो कुछ तो अपनी जीवन व्यापन करने में थोड़ा सा उनको मदद मिल जाएगी। पिछले साल का बाकी चल रहा है और पिछले साल का बाकी चल रहा है वो भी कलेक्टर साहब को मैंने अभी ध्यान दिलाया था। मैं सरकार को भी यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ ये हो सकता है कि ये अकेले नहीं है, और भी जगह होंगी, पर जहाँ जहाँ ये हुआ है और जहाँ जहाँ बकाया पड़ा हुआ है उसका मुआवजा देना, नहीं तो मतलब क्या हुआ मुआवजे का? सरकार का मुआवजा का मतलब यह है कि वो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट दिया जाए, ताकि वो आगे बढ़ सके, आदमी मदद मिले, और वो आपको 2-3 साल बाद मिलेगा तो कोई मतलब ही नहीं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।